अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आके ब्रीक्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, आईसीसी की सालाना मीटिंग खत्म हो चुकी है और इस पे तमाम दुनिया की नजरें लगी थी। दुनिया की नजरें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बातचीत होनी थी और काफी गुमान ये भी किया जा रहा था कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई अपडेट आ जाए इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन लेकिन जो आईसीसी की प्रेस रिलीज है ऑफिशियल, उसमें जो है चैंपियंस ट्रॉफी का किसी किस्म का जो है वो जिक्र नहीं किया गया। वो प्रेस रिलीज क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ी मुख्तसर सी है। अमूमन आईसीसी की बोर्ड मीटिंग जो सालाना मीटिंग होती है वो इतनी छोटी नहीं होती, लेकिन ये बड़ी मुख्तसर थी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लें कि चैंपियंस ट्रॉफी का इसमें जिक्र था कि नहीं है। जो आईसीसी की ऑफिशियल जो है वो ईमेल है जो रिसीव हुई है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या क्या क्रिकेट के हवाले से बातचीत हो रही है। वहां पे 108 मुवाले के रुकन थे, वो थे, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आईसीसी के मेल क्या है, आईसीसी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड इन कोलंबो टुडे विद आईसीसी बोर्ड एंड आईसीसी एनुअल जनरल मीटिंग अटेंडेड बाय ऑल 108 आईसीसी मेंबर्स जस्ट डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पेरिस 24 ओलंपिक्स। द थीम ऑफ द फोर डे कॉन्फ्रेंस वाज कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी अहेड ऑफ क्रिकेट इंक्लूजन इन लॉस एंजलिस 2028। उसके बाद जी गवर्नेंस, गवर्नेंस के बारे से बात हुई है कि आईसीसी बोर्ड कंफर्म दैट देयर विल बी अ रिव्यू इनटू द डिलीवरी ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024। दिस विल बी ओवरसीन बाय 3 डायरेक्टर्स, रोजर टूस, लॉसन नाइडो एंड इमरान खाजा, हु विल रिपोर्ट बैक टू द बोर्ड लेटर इन द ईयर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है जी कि यूएसए क्रिकेट एंड क्रिकेट चिली हैव बीन फॉर्मली पुट ऑन अ नोटिस and have 12 month to rectify their current non compliance with the icc membership criteria. Neither member is considered to have in a place a fit for purpose detailed governance and administrative structure and system. The icc americas office will work with cricket chile to support them in remedying their non compliance. The board agreed that a normalization committee comprising of board and management representative will be set up to oversee and monitor usa cricket compliance roadmap, and the icc board will reserve it right to suspend or expel the member of for continued non-compliance. Cricket के वाले से जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ, जो ईमेल में ऑफिशियली बताई गई वो। The chief executive committee confirmed the allocation of 8 regional qualifying spots for the ICC Men's T20 World Cup 2026. This would see 2 teams qualify from Europe and Africa, 1 from the Americas and 3 from the combined Asia and EAP regional final. The ICC with the long-term strategy commitment to equity across the men's and women's game also confirmed the expansion of ICC Women's T20 World Cup in 2030 from 12 to 16. The cut-off date for qualification for the ICC World T20 World Cup 2026 qualify was confirmed as 31st October 2024. The CEC approved the appointment of Paul Reifer to the ICC Men's Cricket Committee as the elite umpire representative, and Richie Richardson has been appointed as a elite referee representative. The end. आपको इसमें कहीं पे जो है ना, कहीं पे आपको इसमें जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नजर नहीं आएगा। इसमें तमाम वही बातें हुई कि 108 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की, और फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड कप जो हुआ 2024 अमेरिका में उसका जायजा लिया गया। टीम डायरेक्टर्स में रॉजर टूज एंड लॉसन नाइडो है और इमरान खाजा हैं, वो इस साल के आखिर तक अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे। अमरीकी क्रिकेट के वाले से बात हुई, चिली की क्रिकेट के वाले से बात हुई। 2026 में 8 रीजनल स्पोर्ट्स की मंजूरी दी गई है, अफ्रीका और यूरोप से दो दो टीमें वर्ल्ड कप खेलेंगी, 2026 के लिए क्वालिफाई करेंगी। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में एक्सटेंशन की गई है, 2030 का जो टी20 वर्ल्ड कप आईसीसी का वर्ल्ड कप है उसमें 12 के बजाय 16 टीमें जो इन एक्शन होंगी वुमेन्स की। पॉल राइफल को आईसीसी मेन्स क्रिकेट कमेटी में लीड पैनल के नुमाइंदों के तौर पर शामिल किया है। ये सारी बातें थी, लेकिन मेरे सोर्स ने हमें ये कंफर्म किया है कि आईसीसी ये इजलास में जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बजट था उसकी मंजूरी दी गई है। बजट की मंजूरी दी गई है, और बजट की मंजूरी बिल्कुल वैसी दी गई है जिसना का मई में, यानी कि रवा साल मई में आईसीसी के सीएफओ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीएफओ ने मिलकर ये बजट तैयार किया था, और वो एज इट इज बजट मंजूर कर लिया गया है। अब आप इसको पाकिस्तान की हार समझें, इंडिया की हार समझें, इंडिया की जीत समझें, पाकिस्तान की जीत समझें, विन विन सिचुएशन समझें, लॉस लॉस सिचुएशन समझें, जो मर्जी समझ लें, लेकिन ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी का इसमें जिक्र नहीं है। लेकिन हमारे ज़राए ने हमें कंफर्म ये किया है कि मंजूरी दे दी गई है। अब इस मंजूरी के बाद
इस मंजूरी के बाद एक चीज तो तय है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अब ये इंडिया के बगैर होगी या इंडिया के साथ होगी, ये $1 मिलियन वाला है जिसका जवाब अभी तक, इस वक्त तक कुछ भी नहीं है। ये आपको मैं अभी तक की लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंडिया की टीम आए या ना आए, ये भी $1 मिलियन वाला है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी जो ICC ने बजट अप्रूव किया है तमाम बोर्ड्स के साथ मिलकर, तो उसके बाद ICC चैंपियन ट्रॉफी यहीं पे होगी। और जो कुछ ना, फिर मैं बात करना चाहूंगा, कुछ जोकर्स बैठे हुए हैं हमारे हमसाय मुल्क में, वो जोकर्स अपना मंजन बेचने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान भीख मांग रहा है, विराट कोहली रोहित शर्मा इधर आए तो उधर यहाँ की ग्राउंड्स बढ़े, ताकि PSL में भी जो है वो ग्राउंड्स नहीं बनी थी तो ग्राउंड्स बढ़े, विराट कोहली आ जाए, कोहली बुमराह। तो ये जो जोकर्स हैं, आप इन जोकर्स की बातों को इतना सीरियस ना लें, ठीक है। जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिनको आप समझते हैं, उनको देखें, ये जोकर्स की बातों में नहीं आना चाहिए। इनकी इतला के लिए अर्ज है कि एज अ क्रिकेट फैन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो सुपर स्टार्स को देखे, दुनिया के जो सुपर स्टार्स हैं, एंड ये सिर्फ पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं है, ये पूरी दुनिया की ख्वाहिश है कि क्योंकि इंडिया की क्रिकेट इस वक्त बहुत ऊपर जा चुकी है, रोहित शर्मा बहुत बड़ा ब्रांड है, विराट कोहली बहुत बड़ा ब्रांड है, जसप्रीत बुमराह, तो ये वाली जनरेशन उनको देखना चाहती है। लेकिन दैट डजंट मीन कि ये जो जोकर्स लगे हुए हैं कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है, फिर इतना तो भाई ये भी कहने पे हमें मजबूर ना करें कि जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान के जो सारे मैचेस थे ना, जरा अपने फैंस को उठा के देखें, अपने जो क्रिकेट शायकीन हैं, आप जैसे जोकर्स नहीं, जो ओरिजिनल क्रिकेट फैंस हैं, उनसे जरा उठा के देखें वो कितना खुश हुए थे कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, रिजवान, वो उधर आके खेले थे। जरा अपने जो ओरिजिनल क्रिकेट फैंस हैं उनसे उठा के देखें। तो ये जोकर्स की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये एक वन साइडेड सोचते हैं, ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखते हैं, इनको नहीं पता होता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इनको इन्होंने बस इनका एक ही काम है नफरत फैलाना, हेट फैलाना, और बस इस तरह की चीजें ये इनका काम है और इनका कोई काम नहीं है। तो बहरहाल अभी तक की लेटेस्ट अपडेट, ये पूरी ICC की प्रेस रिलीज आ गई कि पूरी दुनिया की नजरें इस पे थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पॉइंट कुछ भी नहीं होया, चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक मंजूरी बजट की दे दी गई है, अब पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अब सवाल ये है कि इंडिया के बगैर या इंडिया के साथ, ये $1 मिलियन सवाल है, ये अभी तक वहीं पर स्टैंड करता है। तो ये थोड़ी सी अपडेट थी, मैंने आपके साथ शेयर की है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर लाजमी कीजिएगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो इसी बात के साथ आज के वीलॉग से आपसे इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।